असली चेहरा दिखाएंगे, असली हकीकत दिखाएंगे। नाज़रीन किराम, आज आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा और देखिएगा जल शक्ति डिपार्टमेंट का असली चेहरा और देखिएगा ये लोग जो है, हमारी माएँ जो है, हमारी बहनें। मीडिया सलीम शिमान यूर दपा करो तहद खतर हो आब इंतजाम यपरद मगर कोई जाए ना शन का काफी शन सुन वाता की पे एग्जन पीएचई बारामूला को चाहिए कम से कम इस इलाके का एक बार वो विजिट करे, कम से कम वो अपनी कुर्सियों से उठकर यहां पे आ जाए। और ये हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बारामूला का चेहरा है। नाज़रीन, आप कश्मीर न्यूज़ सर्विस देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ मोहसिन खान। नाज़रीन, आज हम जो है आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बारामूला का असली चेहरा दिखाएंगे, असली हकीकत दिखाएंगे। नाज़रीन किराम, आज आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा और देखिएगा जल शक्ति डिपार्टमेंट का असली चेहरा और देखिएगा ये लोग जो है, हमारी माएँ जो है, हमारी बहनें कैसे मुश्किलात का सामना कर रही है। इनके मुताबिक पिछले 5 सालों से जो है यहाँ पर पीने के पानी के लिए तरसते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं शुमाली कश्मीर ज़िला बारामूला के चक जमाल मीर पटन में। नाज़रीन किराम, ये इलाका जो है कोई दूर दराज इलाका नहीं बल्कि ये नेशनल हाईवे पटन से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे वाकया है और ये हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बारामूला का चेहरा है। नाज़रीन किराम, यहाँ पे जो है आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ये लोग जो है कई किलोमीटर दूर सफ़र करके यहाँ पे पीने के पानी के लिए तरसते हैं और यहाँ पे जो है इनके मुताबिक ये कहीं घंटों लाइनों में बैठते हैं और फिर जाके जो इनको अपनी टर्न आती है उसके बाद ये यहाँ पे पीने का पानी लेके जाते हैं। नाज़रीन, हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ ये मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम कोता काल गोता ये आब रूस यथस गए 8 वरी यथनस गए वालान आब बराबर 4 वरी वनुक तान यथा प्रथ कह मीडिया सलीम यूर दपान करो तहद खतर हो आब इंतजाम यपरद मगर कोई जाए ना शन का काफी शन सुन वाता कहीं पत दिखर ये टेंकी तथा त्राख पाइप तक कहीं मतलब वन तगान तथा खबर कौत टाइम आब गई डी हे तो मैं कहा अफसर से योरुनी ता आमुत यवान अस वारे अफसर मनान अछ हम हपर कि नथे यापर कि अस करो तो हम काम मगर करा ना किहन नेवा यह मसाई जाना बेस करा काम बेन पते मिज मिज वोट आस न जरूरत वोट छ नेवा पत कुस कास तुम छ पानस पानस आसा पा सलीम सोन छन ख्याल करा कहन मसन कास काथे कर यवान सरी त नेवा इंटर दे त पत करे नि काका ओत्र त्र टेंकी दबो कि कस के रातन म तैयार त आ त छ मिन दिवान चुन जमींदार दिवान पाई पाई त्रान तो वह तो बिहत वह क्या करो इस हम गवर्नमेंट से लड़ाई करो किस बज छु तो योर इवा तो कोदा टाइम छु तो लगा इत पर त्रे बज बैठे योर इवा योर छ 6-7 बज तो 8 बज तो वसा कुसत वसा खतम तो परत ते आप टैंक करते जह इवा तो तनिस इलाकेस म माना छ कुन सात रेत दा रेत तेल गासस मर्जी दबान ई छ अस छ माने नि आइत का आप गर सोजन अमन इस क्या कर हो कुछ आपने देखा कि कितनी मुश्किलात का सामना ये कर रहे हैं और ये जल शक्ति डिपार्टमेंट के लिए जो है शर्म की बात है। यहाँ पे जो है लोग काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये असली चेहरा है जल शक्ति डिपार्टमेंट का। यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट जल शक्ति डिपार्टमेंट को चाहिए, यहाँ पे एग्जन पीएचई बारामूला को चाहिए कम से कम इस इलाके का एक बार वो विज़िट करे, कम से कम वो अपनी कुर्सियों से उठकर यहाँ पे आ जाए, कम से कम इन लोगों की मुश्किलात को सुने, कम से कम इनको एक दिलासा दिया जाए कि इनकी मुश्किलात का हल कब होगा। अगर यहाँ पे जो है इनका इनके मुताबिक एक प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बन रहा है, कम से कम इनको हर दिन यहाँ पे वाटर टैंकर भेजा जाए ताकि इनकी मुश्किलात में अजाला हो जाए। जब हम यहाँ पे न्यूज़ स्टोरी करने के लिए आए तो यहाँ पे ये हमने इन माओं को, इन बहनों को ना उम्मीद देखा क्योंकि इनके मुताबिक यहाँ पे कहीं सारे न्यूज़ चैनल्स आई, कहीं सारे रिपोर्टर्स आए लेकिन हुकूमत आज तक टस से मस नहीं हुई। एलजी इंतजामिया को चाहिए कि इस बात का जो है संगीन नोटिस लिया जाए, आखिर यहाँ पे पीएचई डिपार्टमेंट टस से मस क्यों नहीं होता। इसके साथ साथ हमारी भी जो है डिप्टी कमिश्नर बारामूला एलजी इंतजामिया से गुजारिश है कम से कम इस इलाके की तरफ ध्यान दिया जाए और यहाँ पे जो है लोगों की मुश्किलात सुना जाए और इनकी मुश्किलात का अजाला किया जाए।